लाउडस्पीकर पर रोक के आदेश पर लोगों ने दी मिलीजुली प्रतिक्रिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया है कि धार्मिक स्थलों पर बिना इजाजत बजने वाले लाउडस्पीकरों पर रोक लगाई जाए। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद आम जनता में मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। जहां एक तरफ साधु समाज रोष में है, तो वहीं आम जनमानस ने हाईकोर्ट के आदेश का स्वागत किया है। हाईकोर्ट ने ये ध्वनि प्रदूषण के ऊपर जो अपना फैसला सुनाया है, उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन इसका जो है ध्वनि प्रदूषण का जो रोक लगाई है, केवल ये मठ मंदिरों पर लगाई है, ये बहुत गलत है। अगर ये लगाना ही है तो सब प्रचार माध्यमों पर ही लगाना चाहिए। माइक के माध्यम से जो प्रचार होता है, उन सबों पर ही लगानी चाहिए। हाईकोर्ट के फैसले का हम सम्मान करते हैं, लेकिन अगर मठ मंदिरों पर जो लाउडस्पीकर नहीं बजेगा तो मस्जिद पर भी नहीं बजना चाहिए। अगर सब बजना चाहिए तो सब पे बजना चाहिए, अन्यथा नहीं बजना चाहिए। इसलिए हम हाईकोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं, उनसे अपील करते हैं, अगर मंदिरों पर नहीं बजेंगे तो मस्जिदों पर भी नहीं बजने चाहिए। देखिए, जहाँ उनका निर्णय का सवाल है, निर्णय तो वो इस दृष्टि से कह रहे हैं कि ध्वनि प्रदूषण जो होता है, वायु प्रदूषण होता है, अन्य प्रदूषण होते हैं, उस प्रदूषण की दृष्टि से वो ले रहे हैं। पर लेकिन जो मंदिरों की परंपरा है उसको निर्विघ्न चलने देना चाहिए। इस प्रकार से रोक लगाना उचित नहीं है। ये हमारी सामाजिक परंपरा है, व्यवस्था है, उनका पर रोक लगना उचित नहीं होगा। क्योंकि मंदिरों का एक समय होता है निश्चित बजाने का, 24 घंटे मंदिरों पर माइक नहीं बजते हैं, उनके समय होता है, उस पर बजते हैं, वो बजने ही चाहिए, उनमें बजने में रोक लगाना उचित नहीं होगा। नहीं, हम इसका विरोध करते हैं। ये मठ मंदिर में तो कथा कीर्तन होता है, यहाँ तो लाउडस्पीकर बजना ही चाहिए, और नहीं बजते तो और कहाँ बजेगा। कीर्तन ही कलयुग में सर्वश्रेष्ठ है, और कीर्तन ही हम लोग मंदिरों में करते हैं, कथा कीर्तन ही करते हैं, आरतियाँ होती हैं, तो यहाँ तो लाउडस्पीकर बजेगा, और यहाँ नहीं बजेगा तो और कहाँ बजेगा। इसके सिवा दूसरा स्थान कहाँ का, शादी और विवाह में बजना चाहिए और दूसरे स्थान में बजना चाहिए। इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। यहाँ तो लाउडस्पीकर बजना ही चाहिए। यह हाईकोर्ट का फैसला जो है वो गलत है, इसको फिर से रिवाइज करें।